आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अंग्रेजों के गुलामी से देश को आजाद दिलाने के लिए ना जाने कितने वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इन वीर सपूतों में से एक छत्तीसगढ़ बस्तर के आदिवासी जननायक वीर शहीद गुंडाधुर है। इन्होंने आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। शहीद गुंडाधुर की दहशत में अंग्रेजों को कई दिनों तक जंगलों और गुफाओं में छुपने के लिए मजबूर कर दिया। लाखों आदिवासियों के प्रेरणा स्रोत गुंडाधुर ने बस्तर को अंग्रेजों के हुकूमत से आजादी दिलाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। यही वजह है कि हर वर्ष जगदलपुर में भूमकाल दिवस के मौके पर उन्हें याद किया जाता है और श्रद्धांजलि दी जाती है। आयोजित कार्यक्रम में बस्तर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने शिरकत कर शहीद गुंडाधुर को श्रद्धांजलि दी। आज बस्तर के महानायक वीर गुंडाधुर, उसके परिवार के देवरीधुर अंग्रेज के हुकूमत को हमारे जंगल में पैदा हुआ, हमारा आदिकाल से पैदा हुआ आदिवासी के जंगल को छीनने का काम कर रहे थे, वनोपज को छीनने का बात कर रहे थे। एक जंगल में छोटा सा गांव में नेता नाम में पैदा होकर एक तीर धनुष लेके अंग्रेज हुकूमत को जंगल के प्रति, बस्तर को जंगल को बचाने में वीर गुंडाधुर ने तीर धनुष लेके लड़ा, उनको जगदलपुर में लाके फांसी चढ़ाया। उसके कारण है जंगल अधिकार मालिक इस देश का आदिवासी है, बस्तर का आदिवासी है। उन्हीं का कारण हमारे बस्तर के सभी वर्ग के लोग उसको भगवान के रूप में पूजते हैं। और इस धरती में रहकर उस जमाना में तीर धनुष से लड़ने वाला वीरो गुंडाधुर को आज नमन करते हैं, आज माला पहनाते हैं। आज यहाँ पूरा बस्तर जयगुरुंडा से ले कैमापल्ली भोपालपट्टनम कोंटा पूरा आदिवासी लोग झूम रहे हैं। मैं ओ वीर गुंडाधुर को हमारे भूपेश बघेल सरकार के तरफ से बधाई देता हूं। और संपूर्ण बस्तर संभाग में भूमकाल स्मृति दिवस के रूप में गुंडाधुर के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें संपूर्ण बस्तर संभाग में हमारे जो वीर महापुरुष थे गुंडाधुर की जो स्मृति दिवस है, पूरे बस्तर जिले के आदिवासी समुदाय के लोग जगह जगह पर उपस्थित होकर शौर्य दिवस मनाने का काम करते हैं। इस अवसर पर सभी बस्तर वासियों को हमारे जल जमीन जंगल बचाने के जो वीर नेता रहे गुंडाधुर के विचारों से सहमत होकर उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो है हमारा जो जल जंगल जमीन की सुरक्षा हो सके। आज धीरे धीरे करके जल जमीन जंगल कम होता जा रहा है, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर में है। इसलिए मैं इस अवसर पर आदिवासी समाज के लोगों से ये अपेक्षा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।
है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।